गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ उर्वशी। और आज है 5th of November, आज है चिंगा दीदी का बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू हर। और मुझे पिछली वाला व्लॉग एडिट करना है, तो आज जो है मम्मी दीदी के साथ चली गई हैं बागेश्वर धाम। उसे भी कह रही थी चलने के लिए मेरे, लेकिन सर में इतना ज़्यादा दर्द था तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ वगैरह होती है वहाँ पर। और तो मैंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग चलेंगे साथ में किसी और दिन, अभी तुम हो आओ। तो खाना पीना सब हो गया, अभी तो दोपहर हो गई एक्चुअली में। और आज चिंगा दीदी आ रही है, उसको डॉक्टर को दिखाना और उसी डॉक्टर को मुझे भी दिखाना है क्योंकि मेरे बहुत हेडेक होता है, तो उसको दिखाना है हमें। और चौक वगैरह जाना है, अगर जा पाएंगे देखते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, वो आती है फिर मिलाते हैं आपसे। तो ये आ गई है बर्थडे गर्ल, और इनका मैं इंतज़ार, इनका बारामूला का इंतजार दोपहर से कर रही है, और ये बेचारी आ रही है रात को 6:30 बजे। 3 बजे तो निकले थे, 3:30 की बस मिली थी। तो फिर इनका लहंगा वहंगा हम लोग ले रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस दीदी आ गई है, और मतलब कि आ तो पहले गई थी, तो अब केक उसका काट रहे हैं हम लोग। आओ बच्चों इधर आ जाओ, ये सब हो गई सुबह नेक्स्ट डे की। और क्योंकि कल ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने कहा व्लॉग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी, और सारा मेकअप जा चुका है रात में। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, और आज हम लोग को जाना है चौक क्योंकि वहीं पे जो डॉक्टर है वहीं पे है, और मुझे भी कुछ सूट वगैरह देने थे सिलने के लिए। चौक चलेंगे, और चलिए फिर नाश्ता वास्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। हेलो गाइस, सो अब हम लोग जा रहे हैं चौक, ये है मेरा लुक। और एक्चुअली चौक के हिसाब से काफ़ी सुबह है, बट फिर भी जाना है क्योंकि दीदी को आज ही वापस जाना है बाला, तो चलिए चलते हैं चौक। तो हल्की ठंडियाँ आ गई, तो हमारे जो पीटर और हनी हैं इनको बाहर बैठना, कितना क्यूट लग रहा है, पीटर बैठना बहुत पसंद है, तो यहीं रहेंगे। और गाय जो है हमारी नेचुरल ग्रास क्लीनर, अरे घोड़ा है, घोड़ा आ गया, हेलो घोड़ा, नाइस टू मीट यू। तुम्हारी हालत तो ठीक नहीं लग रही, चलिए फिर चलते हैं, सामान वामान ले के रेडी हैं। बेटू बेटू तो देखो, चलो ये देखिए हमारे पुराने घर में टंकी इस तरीके से लुढ़क गई है। आज हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा से, बोले होता तो हम लोग कार से जाते, और हमारा कलेक्टरगंज वर्मा चढ़ा मेटू हैं। सौंदर्यकरण अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा, कई लोग उसको वर्मा चौराहा ही बोलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं चौक में, और जो काम था वो तो हो नहीं पा रहा है, हम लोग जाएंगे टेलर के पास, और एक काम था वो तो हो नहीं पाया, और उनको कुर्ता तो नहीं मिला, पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों पहले कपड़े ले लिया, हमेशा तो जब ले लो तब लगता है कि पकाश रुक जाते थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। टेलर के यहाँ सुपर होगा टेलर, तो
हम लोग ले रहे हैं सब्जी, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं, थोड़ी सी ले रहे हैं, बाकी फिर भोले के साथ आएंगे तब लेंगे, अभी थोड़ी सी ले रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर से और डॉक्टर मिलके और थोड़ा डिप्रेशन में चले गए उसके पास। इनकी तो उन्होंने इतनी बीमारियां बताई हैं कि मतलब उन्होंने कहा छोड़ो अब मेरा पर्चा भर जाएगा तो रहने दो। और क्या कहते हैं, मुझे भी उन्होंने, मुझे जो पता भी नहीं था वो बीमारियां बता दी हैं। खैर उन्होंने कुछ दवाइयां वाइयाँ दी हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी 10 दिन की दवा दी है, पहले 10 दिन में क्या फ़ायदा होता है देखते हैं। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। और बच्चे खेलने लगे, अब जा रहे हम लोग खाना पीना बनाने। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।